सो हे गाइज यार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, आपका भाई लेकर आ गया है वैलेंटाइन डे वीक स्पेशल फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज का हमारा पिक्चर है जो कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो गाइज, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना। आप इस वीडियो को देखने बाद अपना पिक्चर है जो कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान स्टेप्स में। सो चले गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज, आपको अपना पिक्सआर्ट है उसको ओपन कर लेना है। तो अगर गाइज आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पर जाकर डीएम करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। सो देखिए गाइज, पिक्सआर्ट ओपन होने बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज, आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर टैप कर देना है। तो यहाँ पर देखिए गाइज, आपको सिंपली एडिट ए फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइज क्लिक कर देना है और यहाँ से गाइज आपको एक बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सो देखिए गाइज, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड और जितने पीएनजी इमेज यूज करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर गाइज वहाँ पर आपको डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हो, मैं वहाँ पर आपको सभी इमेज प्रोवाइड कर दूंगा। सो बैकग्राउंड आ जाने बाद गाइज, सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन का रोटेशन है उसको गाइज ऑन कर लेना है और अपने मोबाइल को गाइज कुछ इस तरह से टेढ़ा कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें पिक्चर एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। और गाइज, अब आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से देखिए गाइज, आपको ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइज क्लिक कर देना है। सो गाइज, अब आपको यहाँ पर एक टेडी का पीएनजी इमेज है उसको ऐड कर लेना है। सो इस पिक्चर को गाइज आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है कुछ इतना और यहाँ पर गाइज सेट कर लेना है। सो इस पिक्चर को गाइज हम यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेते हैं और फिर गाइज आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइज ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, अब आपको यहाँ पर अपना पिक्चर है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो देखिए गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कुछ इस तरह से आपको अपना नॉर्मल सा पिक्चर शूट कर लेना है और उसका गाइज पीएनजी इमेज बना लेना है। तो अगर गाइज आपको अपना पीएनजी इमेज बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में गाइज एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसे देखकर आप अपना क्लियर एचडी पीएनजी इमेज बना सकते हो। सो गाइज, मेरे पास एक मॉडल का पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड पहले से ही क्या रखा है मैंने। सो उस पिक्चर को गाइज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इस पिक्चर को गाइज आपको कुछ इतना जूम कर लेना है और यहाँ पर गाइज अच्छे से सेट कर लेना है। सो इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर गाइज सेट कर लेते हैं। सो अब गाइज आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइज ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, अब आपको कुछ और टेडीज का पीएनजी इमेज है उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो देखिए गाइज, इस पिक्चर को आपको यहाँ पर सेट कर लेना है और इस पिक्चर को गाइज आपको यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर गाइज इस पिक्चर पर टैप करना है और यहाँ पर देखिए गाइज आपको डबल लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइज क्लिक कर देना है और इसका गाइज एक डुप्लीकेट इमेज बना लेना है। सो इस पिक्चर को गाइज आपको यहाँ पर सेट कर लेना है और यहाँ पर देखिए गाइज आपको फ्लिप रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइज क्लिक कर देते हैं और यहाँ से गाइज इसका रोटेशन है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे और यहाँ पर गाइज अच्छे से सेट कर लेंगे। सो इस पिक्चर को यहाँ पर इतना सेट कर लेना है और फिर गाइज इस पिक्चर पर टैप करना है और इसको गाइज आपको यहाँ पर जूम कर लेना है स्क्रीन के हिसाब से। सो मैं इस पिक्चर को यहाँ पर इतना जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर गाइज अच्छे से सेट कर लेना है और फिर गाइज आपको यहाँ से इस पिक्चर को यहाँ से मूव अप कर लेना है जिससे गाइज ये वाला इमेज है जो अब सभी इमेज के ऊपर आ जाएगा। और अब गाइज आपको यहाँ से राइट के निशान पर टिक कर देना है। सो देखिए गाइज, हमारा नॉर्मल बेसिक पिक्चर है वो यहाँ पर एडिट हो चुका है। सो चले गाइज पिक्चर में थोड़ा क्वालिटी बताते हैं, पिक्चर का हम कलर मेंटेन करते हैं। सो इसके लिए गाइज सिंपली आपको यहाँ से टूल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर देखिए गाइज आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइज क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखिए गाइज इसका सेटिंग्स है जो कुछ इस प्रकार से करना है। सो ब्राइटनेस को गाइज आपको थोड़ा सा कम कर देना है और कॉन्ट्रास्ट को गाइज आपको बढ़ा लेना है और क्लैरिटी को गाइज आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को गाइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और फिर गाइज हाईलाइट्स पाएंगे और इसको गाइज थोड़ा सा हम यहाँ पर कम कर देंगे और शेडो को भी गाइज आपको थोड़ा सा कम कर देना है और टेम्प को गाइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देता हूँ और फिर गाइज राइट के निशान पर टिक कर देना है। सो गाइज देख सकते हो हमारा पिक्चर है जो यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। सो चले गाइज, अब इस पिक्चर को यहाँ से गैलरी में सेव करते हैं। सो इसके लिए गाइज सिंपली आपको यहाँ से एरो के ऑप्शन पर टैप कर देना है और यहाँ पर देखिए गाइज ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा। सो इस पर गाइज क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सो इस पर गाइज क्लिक करने बाद हमारा पिक्चर है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आगे आपको किस पिक्चर का ट्यूटोरियल चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, भाई आपके लिए जरूर लेकर आएगा। तो गाइज चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में गाइज बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपका भी जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चले गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइज जय हिंद जय भारत।